हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे बायोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र को देखेंगे। बायोलॉजी में है रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है तो परिसंचरण तंत्र के तहत दो प्रकार के तंत्र को शामिल किया जाता है। कौन कौन है? एक है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका तंत्र। एक रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका तंत्र, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और लसिका तंत्र को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र के तहत दो प्रकार के तंत्र को शामिल किया जाता है। इसके बाद है परिसंचरण तंत्र के द्वारा जीव जंतु के शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन किया जाता है। परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड जो होता है, ब्लड या लिम्फेटिक जिसे लसिका कहते हैं, उसके माध्यम से पोषक तत्व हम लोग जो खाते हैं, खाने के बाद जो खून में ब्लड में मिलता है पोषक पदार्थ, वह पूरे सेल तक पहुंचाता है। तो किसके द्वारा पहुंचता है? वही परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही पहुंचता है प्रत्येक सेल तक पोषक पदार्थ। वही है परिसंचरण तंत्र के द्वारा जीव जंतु के शरीर में पोषक पदार्थ का परिवहन किया जाता है, जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा किया जाता है। एवं शरीर के तापमान तथा पीएच मान स्थिर बनाने में मदद मिलता है। परिसंचरण तंत्र के माध्यम से क्या क्या होता है? तो पहला तो रोगों से रक्षा किया जाता है। दूसरा बात, शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। तीसरा है पीएच मान स्थिर बनाए रखता है, शरीर का जो पीएच मान होता है उसको स्थिर बनाए रखता है। इसके बाद हमारे शरीर में विभिन्न हार्मोन, एमिनो अम्ल, रक्त कोशिका, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में विभिन्न तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, रक्त कोशिका है, इसका नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसको परिवहन करने के लिए परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। किसको? तो हार्मोन, एमिनो अम्ल, रक्त कोशिका, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब जिस परिसंचरण तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, वहां क्या था? दो तंत्र था। और परिसंचरण तंत्र को तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन भाग? एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, जिसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद मिश्रित परिसंचरण तंत्र, जिसे मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बारी बारी से देखेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यह तंत्र मुख्य रूप से अकशेरुकी जंतु, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है, उसे अकशेरुकी जंतु कहते हैं, इन वर्टिब्रेट में पाया जाता है। कौन सा? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, कहाँ किस में पाया जाता है? तो अकशेरुकी जंतु इनवर्टिब्रेट एनिमल में पाया जाता है। इसमें पदार्थों का परिसंचरण बिना हृदय से होता है। इसमें जो होता है पदार्थों का, कौन कौन पदार्थ? तो हार्मोन, एमिनो अम्ल, रक्त कोशिका, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है तो बिना हृदय के ही होता है, इसमें हृदय की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें पदार्थों का परिसंचरण बिना हृदय के होता है। इसके अंतर्गत मोलस्का संघ का जंतु घोंघा और सितुआ तो इस तरह का परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मोलस्का संघ के जंतु में पाया जाता है। इसके बाद एनिलिडा संघ के जंतु में पाया जाता है। एनिलिडा संघ के जंतु कौन होता है? केचुआ, जिसको कहते हैं केचुआ, अर्थवर्म जिसको कहते हैं, यानी चारा भी, देहात में चारा भी जिसको कहते हैं।
तो एनिलिडा संघ, वह एनिलिडा संघ में आता है, तो उसमें भी इस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद अर्थोपोडा संघ, अर्थोपोडा संघ में कौन आता है, जैसे तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा, तो अर्थोपोडा संघ के जंतु में भी इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र किस किस में पाया जाता है, तो मोलस्का संघ के जंतु में, इसके बाद एनिलिडा संघ के जंतु में, इसके बाद अर्थोपोडा संघ के जंतु में। मोलस्का संघ के जंतु में कौन हो गया, घोंघा हो गया। एनिलिडा संघ के जंतु में कौन हो गया, केचुआ हो गया। अर्थोपोडा संघ के जंतु में कौन हो गया, तिलचट्टा हो गया। इस सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद एनिलिडा संघ के जंतु के खून का रंग लाल होता है। एनिलिडा संघ के जंतु का, एनिलिडा कौन है, केचुआ, जिसके अंदर केचुआ आता है, जिस संघ में केचुआ आता है, तो उस संघ का मतलब एनिलिडा संघ के जंतु का खून लाल होता है, क्योंकि इस संघ के जंतु में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। खून का रंग किसके चलते लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है, तो इसीलिए इसका इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका रंग, खून का रंग लाल होता है। लेकिन यह हीमोग्लोबिन आरबीसी में न पाकर रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। लेकिन यह जो हीमोग्लोबिन होता है यह आरबीसी में नहीं होता है, वह रक्त प्लाज्मा में होता है। रक्त प्लाज्मा में वह आरबीसी पाया जाता है, किसमें, एनिलिडा संघ के जंतु में। अर्थोपोडा संघ के जंतु के खून का रंग लाल न होकर सफेद या उजला होता है। अर्थोपोडा संघ के जंतु, जैसे अर्थोपोडा में कौन है, तिलचट्टा आ गया, तो इसका ब्लड जो होता है लाल नहीं होता है, सफेद या उजला, उसी को सफेद उसी को उजला कहते हैं। उसका ब्लड किसा, उजला ब्लड होता है, किसका, तिलचट्टा का, मतलब अर्थोपोडा संघ के जंतु, अर्थोपोडा संघ में जितने भी जंतु आते हैं उसका रंग लाल न होकर के सफेद या उजला होता है, मतलब सफेद होता है। अर्थोपोडा में कौन आ जाता है, तो तिलचट्टा आ जाता है। अजय उस उजला के कारण क्या है, जिस तरह से हम देखे थे लाल रंग किसके कारण हो रहा था, हीमोग्लोबिन के कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग लाल होता है। इसीलिए यहाँ जो सफेद किसी कारण से होता है, तो जिसका मुख्य कारण क्या, हीमोशील या हीमोशाइनिन होता है, हीमोशील या हीमोशाइनिन के कारण खून का रंग उजला या सफेद होता है। अर्थोपोडा संघ के जंतु का खून जो उजला होता है, सफेद होता है, किसके कारण से होता है, तो हीमोशील या हीमोशाइनिन के कारण होता है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग का शरीर, हम लोग का ब्लड जो होता है लाल होता है, किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। उसी तरह से अर्थोपोडा संघ के जंतु का खून उजला होता है, और किसके कारण उजला होता है, तो हीमोशील या हीमोशाइनिन के कारण अर्थोपोडा संघ के जंतु का ब्लड जो होता है से उजला होता है। और हीमोशील का मुख्य घटक क्या होता है, तांबा होता है। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के चलते लाल होता है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है, जिसके कारण लाल रंग होता है। उसी तरह से हीमोशील, हीमोशील का मुख्य घटक तांबा होता है, उसमें तांबा पाया जाता है, और तांबा पाया जाता है किसमें, अर्थोपोडा संघ के, अर्थोपोडा संघ के जितने जंतु है उसके ब्लड में तांबा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लाल होता है, लोहा होता है, जिसके कारण लाल होता है, यानी हीमोशील का मुख्य घटक तांबा होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है। इसके बाद है दोहरी परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता, दोहरी परिसंचरण तंत्र की खोज का कौन है, विलियम हार्वे है। विलियम हार्वे ने दोहरी परिसंचरण तंत्र की खोज किया, किसने दोहरी परिसंचरण तंत्र की खोज किया, तो विलियम हार्वे ने दोहरी परिसंचरण तंत्र की खोज किया। दोहरी परिसंचरण तंत्र किस किस में पाया जाता है, तो पक्षी वर्ग में पाया जाता है, जितने भी पक्षी वर्ग है उसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जितने भी स्तनधारी वर्ग है उसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जितने भी उभयचर है, जितने भी उभयचर मतलब जल में भी रहने वाला और स्थल पर भी रहने वाला, उसको उभयचर कहते हैं, तो जितने भी उभयचर है उसमें भी दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और जितने भी सरीसृप है, सरीसृप उसमें भी दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मत्स्य वर्ग, मछली में, मत्स्य वर्ग में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये हो गया क्या, खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। इसके बाद बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
यह तंत्र सभी विकसित कशेरुकी जंतु में पाया जाता है, जितने भी विकसित कशेरुकी है सब में यह बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जितने भी स्तनधारी वर्ग है उस सब में इस तरह के बंद परिसंचरण तंत्र, जितने विकसित जीव है जैसे अब मनुष्य से लेकर जितने बड़े बड़े जीव है सो लेकर सब में क्या बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जितने भी स्तनधारी वर्ग है। इसमें रक्त एक दाब के साथ गति करता, मतलब ब्लड प्रेशर के साथ, सब ब्लड का जो होता है दाब होता है उसमें प्रेशर होता है, उस प्रेशर के साथ वह गति करता है। इसके बाद है तीसरा है मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मतलब मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण कभी हृदय से होता है तो कभी बिना हृदय को होता है, मतलब दोनों को मिला करके खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र दोनों का गुण पाया जाता है। किसमें? मिश्रित परिसंचरण तंत्र में, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण कभी हृदय के द्वारा होता है तो कभी बिना हृदय के ही होता है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र मत्स्य वर्ग एवं उभयचर वर्ग के जंतु में देखा जाता है। मत्स्य वर्ग जितने भी मछली उभयचर है, मतलब जल और स्थल दोनों पर रहने वाला है, उसमें किस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो उसमें यही मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब दोनों बंद और खुला दोनों पाया जाता है। इसके बाद है विभिन्न जंतुओं में परिसंचरण तंत्र का विकास। जैसे है एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ संघ, जितने प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, तो एक कोशिकीय जीव जो प्रोटोजोआ संघ के सभी जंतु, प्रोटोजोआ संघ में कौन आता है तो अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, इवलिना आता है, इत्यादि सब आता है। तो एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ संघ के सभी जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इवलिना का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, नामी एक कोशिकीय जीव है तो इसका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। अतः इसमें परिसंचरण तंत्र का विकास अलग से नहीं होता है, एक ही कोशिका में है तो परिसंचरण तंत्र का विकास अलग से कैसे होगा, तो परिसंचरण तंत्र का विकास अलग से इस समय नहीं होता है। इस संघ के जंतु में परिसंचरण का कार्य प्रसरण यानी ऑस्मोसिस तथा विसरण यानी डिफ्यूजन विधि से होता है, प्रसरण एवं विसरण यानी डिफ्यूजन विधि से, किस विधि से होता है तो एक कोशिकीय जीव जितने भी है, एक कोशिकीय जीव जिस प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जंतु है जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में किस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस तरह से कार्य होता है, तो इसमें प्रसरण जो होता है परिसंचरण का कार्य जो होता है तो प्रसरण यानी ऑस्मोसिस विधि से होता है या विसरण यानी डिफ्यूजन विधि से होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन यानी प्रसरण और विसरण विधि से होता है, किसमें एक कोशिकीय जीव यानी जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जंतु है उसमें। इसके बाद है पोरिफोरा संघ के जंतु में कौन आता है, स्पंज आता है और साइकन आता है, पोरिफोरा संघ में कौन आता है, स्पंज और साइकन आता है। तो पोरिफोरा संघ के जंतु बहुकोशिकीय होता है, यह बहुकोशिकीय होता है जिसमें सबसे बड़ा छिद्र जो होता है उसको ऑस्कुलम कहा जाता है, वह ऑस्कुलम कहलाती है। पोरिफोरा संघ के जंतु में पूरे शरीर में छिद्र होता है और उसी छिद्र में एक छिद्र जो होता है बड़ा वाला छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है। पोरिफोरा के मतलब ही होता है छिद्र युक्त, मतलब पूरा शरीर छिद्र छिद्र रहता है और उसी छिद्र में पोरिफोरा एक जो होता है छिद्र बहुत बड़ा छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, उसको वह ऑस्कुलम कहलाती है। इसी ऑस्कुलम के द्वारा परिसंचरण का कार्य किया जाता है, इसके बाद है सिलेंट्रेटा जिसे निडेरिया संघ भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा संघ को ही निडेरिया संघ कहा जाता है, सिलेंट्रेटा संघ के जंतु को ही निडेरिया संघ के जंतु, दोनों एक ही नाम है। तो सिलेंट्रेटा निडेरिया संघ के जंतु में परिसंचरण का कार्य सिलेंट्रोन के द्वारा होता है। जिस तरह से हम लोग देखे थे, इसके बारे में देखे थे सिलेंट्रेटा और निडेरिया संघ के जंतु में परिसंचरण का कार्य
किसके द्वारा होता है, तो सिलेंट्रॉन के द्वारा होता है। इसके बाद है एनिलिडा संघ के जंतु में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। एनिलिडा संघ के जंतु में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है जिसके लिए शीरा और धमनी के माध्यम से शरीर में परिसंचरण का कार्य किया जाता है, जिसे क्या शीरा भेन यानी धमनी शीरा जो होता है नस की जरूरत पड़ता है। तो एनिलिडा संघ के जितने भी जंतु है उसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है जिसके लिए शीरा और धमनी के माध्यम से शरीर में परिसंचरण के कार्य किया जाता है। इसके बाद अर्थोपोडा संघ के जंतु में परिसंचरण तंत्र के लिए एक विशेष गुहा पाया जाता है जिसे हेमोकोल कहा जाता है, अर्थोपोडा संघ में कौन आ रहा था, तिलचट्टा आ रहा था। तो इस तिलचट्टा में क्या होता है, परिसंचरण तंत्र के लिए एक विशेष गुहा पाया जाता है। और उस गुहा को कहा जाता है हेमोकोल, यानी अर्थोपोडा यानी तिलचट्टा में जो परिसंचरण के लिए जो गुहा पाया जाता है उस गुहा को क्या कहते हैं, उसको हेमोकोल कहा जाता है। तो अर्थोपोडा संघ के जंतु में परिसंचरण तंत्र के लिए एक विशेष गुहा पाया जाता है जिसे हेमोकोल कहा जाता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन या अन्य पदार्थ ऊतक तक पहुंचता है। इसी के माध्यम से हेमोकोल के माध्यम से ही ऑक्सीजन या अन्य पदार्थ ऊतक तक पहुंचता है। और अर्थोपोडा संघ के जंतु का हृदय कितने कक्ष वाला होता है, 13 कक्ष वाला होता है। तिलचट्टा में जो होता है, तिलचट्टा को जो हृदय होता है उसमें क्या इतने कक्ष होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। जैसे मनुष्य या स्तनधारी जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु है उसमें हृदय का चार कक्ष वाला हृदय होता है। लेकिन यहाँ जो है अर्थोपोडा संघ के जंतु जो है उसमें 13 चैम्बर वाला हृदय होता है, 13 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। किसमें, अर्थोपोडा संघ के जंतु में, जैसे कि तिलचट्टा में। मछली में मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उस ऊपर भी देखे थे यहाँ भी है। जैसे मत्स्य वर्ग में यहाँ देखे थे मिश्रित परिसंचरण तंत्र, वही चीज है। मछली में मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें रक्त कभी हृदय के माध्यम से तो कभी स्वतंत्र रूप से गति करता है। मछली में कभी रक्त जो है सो हृदय के माध्यम से कभी डायरेक्ट यानी स्वतंत्र रूप से गमन करता है। मत्स्य वर्ग के जंतु में एकल चक्र परिसंचरण तंत्र होता है, एकल चक्र यहाँ भी देखे थे, एकल चक्र परिसंचरण किसमें होता है, मत्स्य वर्ग में। वही चीज यहाँ है, मत्स्य वर्ग के जंतु में एकल चक्र परिसंचरण होता है। अब कक्ष कुछ किस वर्ग के जंतु में कितने कक्ष होते हैं, हृदय के कक्ष कितने होते हैं, यहाँ दिया हुआ है। जैसे मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग में हृदय दो कक्ष वाला हृदय होता है। मतलब मछली का जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होता है, उसमें दो कक्ष होता है। उभयचर एवं सरीसृप में तीन कक्ष होता है। उभयचर एवं सरीसृप एक अपवाद है, सरीसृप में एक अपवाद कौन है, तो मगरमच्छ। मगरमच्छ आता है सरीसृप में, लेकिन उसमें चार कक्ष होता है। और लेकिन कारगर उसका तीन ही कक्ष होता है, चौथा कक्ष जो होता है अल्प विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है। तो उभयचर एवं सरीसृप जो है तीन कक्ष वाला होता है, उसका हृदय जो होता है तीन कक्ष का होता है। लेकिन उसमें अपवाद में आ जाता है मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ आता है सरीसृप में। हम यहाँ देख रहे हैं कि सरीसृप तीन कक्ष वाला होता है, लेकिन मगरमच्छ सरीसृप में होते हुए चार कक्ष वाला है। लेकिन मगरमच्छ का जो चौथा कक्ष होता है, हृदय चौथा कक्ष जो होता है वह अल्प विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है। इसके बाद है स्तनधारी वर्ग और पक्षी वर्ग। जितने भी स्तनधारी वर्ग है और जितने भी पक्षी वर्ग है उसका हृदय जो होता है चार कक्ष वाला होता है। जितने स्तनधारी वर्ग और पक्षी वर्ग है उसका हृदय चार कक्ष वाला होता है। एनिलिडा संघ जैसे केचुआ है, एनिलिडा में आता है कौन, केचुआ, तो उसका हृदय जो आठ कक्ष वाला होता है। केचुआ का हृदय जो होता है आठ कक्ष का बना होता है, उसमें आठ कक्ष होता है। तो वह केचुआ आता है एनिलिडा संघ में। तो एनिलिडा संघ के जंतु में जो हृदय पाया जाता है वो कितने कक्ष वाला होता है, आठ कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। इसके बाद एस्कोलियोडोन में एक कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। एस्कोलियोडोन एक जीव होता है, उसमें एक कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। तो हम लोग
रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो हम लोग देखे हैं। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, फिर अगले वीडियो में इसको लेकर जल्द ही आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।